अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्सियत जिनके बिना हिंदी सिनेमा की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। इन्होंने करोड़ों लोगों को रूपले पर्दे के सपने दिखाए हैं और इंडस्ट्री पर दशकों तक एक छत्र राज किया है। अमिताभ बच्चन का फर्श से अर्श तक का ये सफर प्रेरणादायक तो है, लेकिन इस सफर में कई खलिस भी है। अक्सर अमिताभ बच्चन पर ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के लोगों का इस्तेमाल किया और समय आने पर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। अमिताभ बच्चन पर मौका प्रस्त होने के इल्जाम बहुतों ने लगाए हैं, जिनमें अधिकतर फिल्मी कलाकार और राजनेता रहे जिन्हें अमिताभ बच्चन से शिकायत रही। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों और उनसे जुड़े किस्सों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे अमिताभ ने अपने फायदे के लिए उनका दिल तोड़ा और उन्हें अपने सुपरस्टारडम की सीढ़ी बनाया। वीडियो की शुरुआत करते हैं मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब से। जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता अनवर से हुई जो महमूद के छोटे भाई थे और अमिताभ की डेब्यू फिल्म साथ हिंदुस्तानी में उनके सह कलाकार भी। इसी दोस्ती के चलते अमिताभ की मुलाकात महमूद साहब से हुई। महमूद को अमिताभ में प्रतिभा नजर आई और उन्होंने उसे मौका देने का निश्चय किया। यही नहीं, अमिताभ ने काफी समय महमूद के घर में बतौर किराएदार भी गुजारा। अनवर अली ने फिल्म फेयर पत्रिका को साल 2015 में दिए एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि अमिताभ महमूद की गाड़ियों के शानदार कलेक्शन में से कई बार गाड़ियां उधार मांगकर ले जाते थे और उसका इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड पर रोब जमाने के लिए करते थे। महमूद अमिताभ बच्चन के टैलेंट को इतना ज्यादा आंकते थे कि अमीन सैनी को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उनका सबसे अजीज और शानदार घोड़ा अमिताभ बच्चन है। जिस दिन उसने स्पीड पकड़ ली, उस दिन बाकी सब बहुत पीछे रह जाएंगे। इसी समय महमूद एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन को मौका दिया, वो भी तब जब बतौर अभिनेता उनकी आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी थी और उन्हें निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में लेने से कतरा रहे थे। हालांकि अमिताभ बच्चन का रोल फिल्म में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके हिस्से में देखा ना हायरे सोचा ना जैसा मशहूर गीत और कुछ एक्शन सीन्स आए। फिल्म तो उस समय औसत ही रही, लेकिन इसके एक एक्शन सीन में उनके द्वारा की गई कलाकारी पर लेखक जोड़ी सलीम जावेद की नजर पड़ गई, जहां अमिताभ बच्चन मुंह में सैंडविच दबाते हुए विलेन से लड़ाई करते हैं। अमिताभ का स्वैग देखकर सलीम जावेद ने उनकी फिल्म जंजीर के लिए सिफारिश कर दी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इससे पहले किसी एक्शन फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन उस सीन ने उनका कैरियर ही बदल दिया। बताने की जरूरत नहीं कि जंजीर ब्लॉकबस्टर रही और अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन बनने का सफर लगभग शुरू हो गया। जहां 70 के दशक में अमिताभ बच्चन सफलता की ऊंचाइयां छूते चले गए, वहीं महमूद 70 के दशक के अंत तक ढलान पर बढ़ते गए। महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात की शिकायत की थी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन का कैरियर संवारने में बहुत मदद की, उन्हें कई फिल्मकारों से मिलाया, उनके लिए फिल्म भी बनाई, लेकिन अमिताभ उन्हें सुपरस्टार बनने के बाद लगभग भूल गए। जब उन्हें काम मिलना कम हुआ और उन्हें पैसों की जरूरत रही, तो अमिताभ बच्चन की तरफ से न तो रोल मिला न ही पैसों की मदद। यही नहीं, महमूद एक किस्सा याद करते हुए बताते हैं कि उन्हें जब 80 के दशक में हार्ट अटैक आया और ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तब उसी अस्पताल में अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन भी भर्ती थे। अमिताभ अपने पिता से मिलने अस्पताल में आए, लेकिन वहाँ होते हुए भी वो महमूद से मिलने नहीं गए, नहीं उनकी बेहतरी के लिए गेट वेल सून कार्ड या फूल भिजवाए। इस बात से महमूद साहब को काफी बुरा लगा। वो कहते हैं कि मैं अमिताभ को अपना बेटा मानता था, उसको पैसे कमाना मैंने ही सिखाया। वो मेरी इतनी इज्जत करता था कि जब भी मेरी आवाज सुनता उठकर खड़ा हो जाता, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। हालांकि मैंने उसे माफ कर दिया है, लेकिन वो ऐसा बर्ताव किसी और के साथ न करे। अमिताभ ने इस तरह के किसी भी इंटरव्यू पर चुप्पी साधे रखी और उनकी मृत्यु तक महमूद के बारे में कुछ भी नहीं बोला। साल 2004 में महमूद की मृत्यु के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में उनको याद करते हुए लिखा कि महमूद मेरे गॉड फादर थे और मुझे लीड रोल में लेकर फिल्म बनाने वाले पहले निर्माता भी वही थे। अमिताभ ने यह भी कहा कि उन्होंने एक साल के भीतर अपने असली पिता हरिवंश राय बच्चन और अपने गॉडफादर दोनों को खो दिया। गौरतलब है कि महमूद की बीमारी और मुफलिसी के दिनों में अमिताभ उनसे मिलने कभी उनके घर तो नहीं गए, लेकिन उनकी मौत के बाद अमिताभ ने 5 दिनों तक अपनी शूटिंग रोक दी ताकि महमूद के पार्थिव शरीर को भारत लाया जा सके। अमिताभ बच्चन के स्वार्थ की भेंट चढ़ने वाली दूसरी कलाकार थी अभिनेत्री रेखा। अमिताभ और रेखा का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं था। ये वो समय था जब अमिताभ सफलता की बुलंदियों पर थे और रेखा यूं तो कामयाब हीरोइन थी,
थीं, पर उनके चेहरे और अभिनय दोनों पर अक्सर मजाक बनाया जाता था और उनके अफेयर की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती थीं। यूं तो इन दोनों ने साल 1973 में आई फिल्म नमक हराम में काम किया था, लेकिन उस फिल्म में दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। उनकी मुलाकात पहली बार किसी फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि जया भादुड़ी के फ्लैट पर हुई थी। रेखा जया भादुड़ी को दीदी भाई कहकर बुलाती थी और अक्सर उनसे मिलने उनके फ्लैट पर जाती रहती थी। यही उनकी मुलाकात जया भादुड़ी के उस समय के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से हुई। हालांकि फिल्म नमक हराम के सेट पर अमिताभ का रेखा के प्रति पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं रहा। रेखा को फिल्म के सेट पर लेट आने और गायब हो जाने की आदत थी। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे महान फिल्मकार के होते हुए भी वो सेट से गायब ही रही और गुस्से में ऋषिकेश मुखर्जी ने पैकअप कर दिया। इसके बाद इस जोड़ी को साथ काम करने का मौका 3 साल बाद जाकर मिला। दोनों की बतौर जोड़ी पहली फिल्म रही साल 1976 की दो अनजाने। इस फिल्म को करने से शर्मिला टैगोर और मुमताज ने मना कर दिया था क्योंकि फिल्म में हीरोइन का रोल काफी हद तक नेगेटिव था, पर रेखा ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इस फिल्म के दौरान रेखा अमिताभ के प्रोफेशनल बर्ताव से काफी प्रभावित हुई। अमिताभ रोज 6 बजे सेट पर आ जाते थे और अपना काम कायदे से करके पूरी तैयारी के साथ डायलॉग याद करते थे। अमिताभ की सोहबत में रेखा ने खुद को बदलने की ठान ली। अपने कपड़े पहनने और चेहरों को संवारने के ढंग से लेकर टाइम से सेट पर आने और डायलॉग पहले से याद करने तक रेखा ने खुद को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सेट पर सभी रेखा का ये रूप देखकर हैरान थे। पहले तो अमिताभ रेखा से गिनी चुनी ही बात करते थे, लेकिन जब फिल्म की आउटडोर शूटिंग 1 महीने तक के लिए कलकत्ता में चली तो अमिताभ, प्रेम चोपड़ा और रेखा खूब घूमे, क्योंकि अमिताभ ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 7 साल यहाँ पर नौकरी की थी और वो इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों नजदीक आ गए। फिल्म भी सफल रही और अमिताभ और रेखा की जोड़ी कई और फिल्मों में साथ काम करने लगी। साल 1977 रेखा के लिए बेहद खराब साल साबित हुआ। ये वो समय था जब रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना शुरू किया था, पर साल 1977 में रिलीज हुई उनकी 3 फिल्में आलाप, ईमान धर्म और खून पसीना में सिवाय खून पसीना के बाकी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं। इसके अलावा भी रेखा की इस साल 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से सिवाय खून पसीना के कोई भी फिल्म कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। यही नहीं, निजी जीवन में भी विनोद मेहरा से उनके अलगाव के चलते वो लंबे समय तक दुखी रहीं। इसके कुछ समय बाद ही इनकम टैक्स विभाग ने रेखा पर ब्लैक मनी लेने और टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपनी कई फिल्मों के लिए काला धन मिला है। इस बाबत उन्होंने प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के ऑफिस पर छापा भी मारा, जहां से उन्होंने 2 अकाउंट बुक जब्त किए, जिससे मालूम चला कि रेखा को खून पसीना फिल्म के लिए ब्लैक में 2.5 लाख रुपए दिए गए थे। इसके अलावा भी रेखा को मिले काले धन का पूरा ब्यौरा दर्ज करके उन पर भारी जुर्माना ठोका गया, जिसे भरने में उन्हें कई साल लग गए। इस सब के कारण रेखा काफी दुखी रहने लगी और उस समय उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने रेखा को उनके कैरियर और व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने में बहुत मदद की। रेखा ने भी अमिताभ बच्चन के लिए दिन रात डाइटिंग और एक्सरसाइज करके अपना वजन कम किया और मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा से मेकअप के गुण सीखे। ये खबरें जब स्टारडस्ट पत्रिका की हेडलाइन बनने लगी तो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार से अपने राजनीतिक नजदीकियों का सहारा लेकर उसे बंद कराने की कोशिश की। इसी बात से नाराज होकर बहुत से मैगजीन्स ने अमिताभ बच्चन को सालों तक बैन कर दिया था। हालांकि इससे अमिताभ बच्चन के स्टारडम या अमिताभ और रेखा के प्रेम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के सेट पर प्रकाश मेहरा ने दोनों को करीब आते देखा। पहले तो वो इस बात से नाराज हुए कि रेखा उस दिन भी सेट पर पहुंच जाती थी जिस दिन उनकी शूटिंग नहीं होती थी। ऐसे में प्रकाश मेहरा ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस दिन फिल्म की शूटिंग ना हो उस दिन वो सेट पर दिखाई ना दें। प्रकाश मेहरा ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमिताभ ने रेखा को अंग्रेजी सिखाई, उसे तहजीब सिखाई और उसे अपने काबिल बनाया। खैर, जब ये भनक अमिताभ के परिवार तक पहुँच गयी तो भूचाल ही आ गया। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से कहा कि वो आगे से रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। रेखा बताती है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो में उन्होंने देखा कि फिल्म में जैसे ही अमिताभ और रेखा का रोमांटिक सीन आता था, वैसे ही जया बच्चन की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये रिश्ता कैसे खत्म हुआ, इसकी बहुत अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित है और सभी किस्सों में एक बात कॉमन है कि अमिताभ ने या तो रिश्ता तोड़ने की पहल की या उनकी आदत के कारण ही ये रिश्ता खत्म हुआ। कहते हैं कि फिल्म लावारिस की शूटिंग के दौरान अमिताभ एक डांसर की तरफ आकर्षित हो गए। जब ये बात रेखा को पता चली तो वो गुस्से से तिलमिला गई और उन्होंने फिल्म के सेट पर जाकर अमिताभ बच्चन से इस बारे में पूछा।
था। अमिताभ ने पहले तो ये बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रेखा नहीं मानी तो अमिताभ गुस्सा हो गए और कहा जाता है कि उन्होंने रेखा को एक थप्पड़ जड़ दिया था। इस बात से रेखा इतनी आहत हुई कि उन्होंने अमिताभ बच्चन द्वारा दी गई दो अंगूठियां उन्हें वापस कर दी। इस रिश्ते का अंत फिल्म सिलसिला के साथ हो गया, जिसमें अमिताभ, रेखा और जया बच्चन अपने खुद के किरदार निभाते हुए नजर आए थे। इस पूरी फिल्म के दौरान सेट पर इतनी तानातानी रहती थी कि लगता था अभी तीनों में से कोई एक लड़ पड़ेगा। और इस फिल्म की ही तरह अमिताभ ने फिल्म के आखिर में अपनी प्रेमिका को छोड़कर अपनी पत्नी के पास जाने का फैसला किया, और रेखा जो एक समय अमिताभ के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाकर रहती थी, उनको अपनी माँ की ही तरह एक शादीशुदा आदमी के साथ प्यार में पड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस पूरी कवायद पर अमिताभ बच्चन ने हमेशा शांति बनाए रखी और कभी भी रेखा के नाम को बाहर लेकर नहीं आए। रेखा की ही तरह एक और ऐसी अभिनेत्री थी जो अपने बर्बादी का जिम्मेदार अमिताभ बच्चन को मानती थी। ये अभिनेत्री थी परवीन बाबी। परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन ने पहली बार साल 1974 की फिल्म मजबूर में एक साथ काम किया था, और आगे चलकर अमर अकबर एंथनी, खुद्दार और सुहाग जैसी कई फिल्मों में दोनों एक साथ दिखे। उनकी जीवनी के अनुसार परवीन बाबी भी अमिताभ की कायल थी, लेकिन अमिताभ ने कभी परवीन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परवीन बाबी की जीवनी में एक किस्सा मिलता है कि जिस समय वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म खुद्दार और देश प्रेमी की शूटिंग कर रही थी, तो वो अमिताभ बच्चन के प्रति दीवानी हो गई थी। जब परवीन बाबी की दोस्त ज्योत्सना उनसे मिलने देश प्रेमी के सेट पर गई, तो परवीन बाबी ने उनसे कहा कि अमिताभ बच्चन के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना। यही नहीं, वो बार बार शूटिंग के दौरान ज्योत्सना से पूछती रहती कि क्या अमिताभ उनकी तरफ देख रहे हैं, वो किससे बातें कर रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए घर पर भी रिहर्सल करती थी ताकि उनके सामने फजीहत न हो। वहीं कुछ और लोगों का ये भी मानना है कि परवीन बाबी को जब फिल्म सिलसिला से हटाकर रेखा को साइन कर लिया गया, तो परवीन बाबी को लगने लगा कि अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म हाथ से निकल गई तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये डर उनके दिमाग में बुरी तरह से हावी हो गया था। साल 1983 में परवीन बाबी अमिताभ बच्चन के साथ शो करने लंदन गई थी। उन्हें लगा था कि यहाँ उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मिलेगा, पर अमिताभ बच्चन का ध्यान ज्यादातर रीना रॉय की तरफ रहा। इस पूरे इवेंट में क्या हुआ ये आज तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ से आने के बाद परवीन बाबी को जो दौरे पड़ने शुरू हुए वो आजीवन उनके साथ रहे। उन्होंने एक के बाद एक अमिताभ बच्चन पर इल्जाम लगाए कि अमिताभ ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। पहले तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों और करीबी लोगों को ये कहकर खुद से अलग कर लिया कि वो अमिताभ के एजेंट हैं और उनके खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमिताभ ने उन्हें किडनैप करा के एक सुनसान जगह पर रखकर प्रताड़ित किया। उन दिनों इन खबरों से खूब सनसनी मची थी। 1989 में जब परवीन बाबी का एक इंटरव्यू बाहर आया, तो सबने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए। बातें उड़ने लगी कि अमिताभ और परवीन बाबी के बीच अफेयर चल रहा था, लेकिन अमिताभ परवीन बाबी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे और उन्होंने परवीन को बीच राह में ही छोड़ दिया, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बाद के सालों में परवीन बाबी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अमिताभ बच्चन, महेश भट्ट, डैनी डेंगजोंगपा और संजय दत्त जैसे तमाम कलाकारों के खिलाफ एक शपथ पत्र दायर कर दिया और उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। हालांकि वो ये केस हार गए और उन्हें शिजोफ्रेनिया से ग्रसित बताया गया, जिसके बाद साल 2005 में उनकी अकस्मात मृत्यु भी हो गई। अमिताभ को कहीं नामजद तो नहीं किया गया, लेकिन आज भी ये बात एक रहस्य है कि अमिताभ और परवीन बॉबी के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी कीमत परवीन को इस तरह चुकानी पड़ी। क्या परवीन बॉबी की इस हालत के लिए अमिताभ बच्चन जिम्मेदार थे? हालांकि ऐसा साफ तौर पर कहना बेहद मुश्किल है। खैर, अमिताभ के ऊपर एक आरोप ऐसा भी लगा जहां वो साफ तौर पर दोषी नजर आते हैं, और ये आरोप उन पर लगाया था अभिनेता और संवाद लेखक कादर खान साहब ने। कादर खान और अमिताभ बच्चन दोनों का बॉलीवुड में आगमन लगभग एक ही समय पर हुआ, और अमिताभ बच्चन के स्टारडम में एक बड़ा हाथ कादर खान के लिखे संवादों का भी रहा। खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, मिस्टर नटवरलाल, कुली और शराबी जैसे कितनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के धमाकेदार डायलॉग्स कादर खान के द्वारा ही लिखे गए थे। यही नहीं, मिस्टर नटवरलाल, कुली और शहंशाह जैसी बहुत सी फिल्मों में दोनों ने साथ अभिनय भी किया था। कादर खान समझते थे कि दोनों का रिश्ता दोस्तों जैसा है, और इसी के लिहाज से वो उनसे दोस्त की तरह पेश भी आते थे,
और कादर खान अमिताभ बच्चन को अमित कहकर बुलाते थे। अमिताभ बच्चन के राजनीति में जाने तक स्थिति कमोबेश यही बनी रही, लेकिन राजनीति से वापस आने के बाद उनके भाव और बर्ताव दोनों ही बदल गए। एक दिन दक्षिण भारतीय फिल्मों के निर्देशक एस रामानाथन ने उनसे कहा कि वो अमिताभ को सरजी कहकर बुलाए। कादर खान ने पूछा, कौन सरजी? रामनाथन ने कहा, अमिताभ बच्चन। कादर खान ने कहा कि वो मेरे दोस्त जैसा है और मुझसे उम्र में छोटा है, मैं उसे सरजी क्यों बोलूं? इस पर रामनाथन ने उनसे कहा कि सरजी को पसंद नहीं कि उनके परिवार के अलावा कोई उन्हें नाम से बुलाए। तभी वहां से अमिताभ बच्चन गुजरे। सबने उन्हें सरजी कहकर सलाम किया, बस कादर खान अपनी जगह पर खड़े रहे। अमिताभ बच्चन उम्मीद कर रहे थे कि वो भी उन्हें सरजी कहकर बोलेंगे, लेकिन कादर खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बात से अमिताभ बच्चन के ईगो को धक्का लगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी कादर खान के साथ काम नहीं किया और न ही उनसे कभी बात की। कादर खान का कहना है कि रातों रात उनके हाथों से अमिताभ के सारे प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए और उन्हें कॉमेडी फिल्मों की शरण में जाना पड़ा। जब कादर खान कई सालों तक बेहद बुरी हालत में अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे, तब भी अमिताभ बच्चन ने एक बार भी उनकी सुध नहीं ली। हाँ, कादर खान की मृत्यु के बाद अपने ब्लॉग पर उनको याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने कादर खान को अपनी सफलता का श्रेय दिया और उन्हें एक महान कलाकार बताया। लेकिन कादर खान साहब के साथ अमिताभ बच्चन ने जो बर्ताव किया उसकी शायद ही इससे भरपाई हो पाए। राजनीति के मोह में जिस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने अजीज दोस्तों को छोड़ा, समय आने पर उन्होंने राजनीतिक साथियों के साथ भी वैसा ही किया। अमिताभ बच्चन पर ये अक्सर आरोप लगता रहा है कि वो राजनीति में थाली के बैगन की तरह काम करते हैं, जो अपने फायदे के अनुसार लोग और जगह बदलते रहते हैं। ऐसा अमिताभ बच्चन ने अपने राजनीतिक सफर में कई बार किया। ये बात जग जाहिर है कि बच्चन परिवार और नेहरू गांधी परिवार के बीच पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू बेहद घनिष्ठ मित्र थे और हरिवंश राय बच्चन नेहरू के शासन काल में हिंदी ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए थे और बाद में वो संसद में भी मनोनीत हुए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन अपने सामाजिक कार्यों के कारण इंदिरा गांधी के करीब हो गयी और इसी तरह अमिताभ और राजीव गांधी अच्छे दोस्त साबित हुए। जब राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करके आए तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे में राजीव और सोनिया ने कुल 43 दिन बच्चन परिवार के निवास में बिताए, जब तक कि सोनिया गांधी भारतीय परंपराओं के अनुसार ढल नहीं गयी। जब अमिताभ कलकत्ता से नौकरी छोड़कर मुंबई आए तो गांधी परिवार से उन्हें एक सिफारिशी खत मिला, जिससे उन्हें मुंबई में काम ढूंढने में आसानी हुई। ये गांधी परिवार का ही हाथ था जिसके बलबूते अमिताभ बच्चन अपने कैरियर की ऊंचाई में कई मनमानियां कर पाए। जब मैगजीन्स ने उनके खिलाफ कोई लेख लिखा तो उस मैगजीन को ही बंद कराने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जहाँ बाकी बॉलीवुड कलाकारों पर 10 से 15 लाख रुपए बकाया होने पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ जाया करती थी, वही अमिताभ बच्चन की इनकम टैक्स के 1,10,00,000 रुपए बकाया होने पर भी वो कार्यवाही से बचे रहे। इसके एवज में अमिताभ बच्चन ने भी कांग्रेस को मुखर रूप से समर्थन दिया। जब साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन ने राजनीति में आने का फैसला किया, लेकिन राजनीति में उनकी शुरुआत बेहद विवादास्पद रही। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भड़के दंगों के परिप्रेक्ष्य में अमिताभ बच्चन ने एक नारा दिया था, खून का बदला खून। दंगों के दौरान की गई इस तरह की बयानबाजी के कारण उन्हें बाद में अमेरिकी कोर्ट की ओर से समन भी भेजा गया था। खैर, अमिताभ बच्चन की असीम लोकप्रियता और इंदिरा गांधी के निधन से उभरे जन समर्थन के चलते अमिताभ बच्चन रिकॉर्ड वोटों के अंतर से इलाहाबाद से जीत गए। हालांकि उनका राजनीति में आना अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के बीच खटास का कारण बना। पहली बात तो ये कि अमिताभ सोनिया गांधी के राजनीति में आने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे कि सोनिया को भारतीय राजनीति की समझ नहीं है। ये बात सोनिया गांधी को रास नहीं आई। दूसरी बात, जब साल 1987 के बुफोर्स स्कैंडल में अमिताभ बच्चन का नाम आया तो हर तरफ उनकी थू थू होने लगी। तब अमिताभ ने सहयोग की आशा से राजीव गांधी की तरफ देखा कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन राजीव गांधी ने अमिताभ को बचाने से ज्यादा अपनी सत्ता बचाने में दिलचस्पी दिखाई। नतीजन अमिताभ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। गांधी परिवार का मानना था कि 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जरूरत थी कि अमिताभ उनके सहयोग के लिए आते, लेकिन अमिताभ ने मुश्किल भरे दौर में गांधी परिवार का समर्थन या सहयोग नहीं किया। वहीं बच्चन परिवार का मानना था कि जब अमिताभ की कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब गांधी परिवार ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। ये खटास तब अलग स्तर पर पहुँच गया जब बच्चन परिवार की नजदीकियाँ अमर सिंह और बाला साहेब ठाकरे से बढ़ने लगी। अमर सिंह के ही जरिए जया बच्चन सपा के सहयोग से सांसद मनोनीत हुई। यहाँ से बच्चन परिवार का कांग्रेस से वैचारिक समर्थन भी खत्म होने लगा और दोनों तरफ से छींटा कसी होने लगी। अमिताभ और जया बच्चन ने आरोप लगाया कि
पार्टी गांधी परिवार ने हमेशा अपनी ही चलाई और कभी उनका सहयोग नहीं किया। वही गांधी परिवार ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए अमिताभ बच्चन के इनकम टैक्स की पड़ताल की और उन पर तब भारी जुर्माना लगा दिया जब वो अस्पताल में भर्ती थे। गनीमत ये रहा कि समय के साथ अमिताभ बच्चन ने सपा का साथ छोड़कर नरेंद्र मोदी का दामन थाम लिया और गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अमिताभ बच्चन ने किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा नहीं निभाई और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था अमर सिंह से उनके रिश्ते। अमर सिंह के साथ अमिताभ बच्चन के रिश्ते 1990 के दशक में शुरू हुए जब अमिताभ का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। अमिताभ 90 के दशक के आखिर में काफी गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उन पर 4 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था जिसके कारण उनका बंगला बिकने की नौबत पर आ गया था। इस समय पर अमर सिंह ने अमिताभ को उनके आर्थिक संकट से निकाला। अगले कुछ सालों तक अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के बीच पारिवारिक संबंध रहे। जया बच्चन उन्हें देवर कहकर बुलाती थी और अभिषेक बच्चन चाचा। यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी त्योहार के इनविटेशन कार्ड पर अमर सिंह का नाम परिवार के सदस्य के रूप में लिखा जाता था। अमर सिंह ने जया बच्चन को राज्यसभा का सांसद बनाया लेकिन अमिताभ को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें लगता था कि जया बच्चन मुंह फटे इसलिए मुसीबत में पड़ सकती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अमर सिंह अमिताभ और सोनिया गांधी के बीच बढ़ती दूरियों के लिए भी जिम्मेदार थे क्योंकि अमर सिंह के विरोध के कारण ही सोनिया गांधी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। लेकिन ये बहुत सुंदर सा नजर आने वाला रिश्ता एक बार फिर अमिताभ के स्वार्थ के भेंट चढ़ गया क्योंकि जैसे ही अमर सिंह के दिन फिरे बच्चन परिवार ने उनसे किनारा कर लिया। जब साल 2007 में पैसे के बदले वोट का विवाद उठा तो अमर सिंह को उस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अमर सिंह का कहना है कि अमिताभ या उनका परिवार एक भी बार उनसे मिलने जेल में नहीं आया। इसके अलावा जब अमर सिंह को साल 2010 में सपा पार्टी ने बाहर कर दिया तब उन्होंने जया बच्चन से समर्थन की मांग की और कहा कि वो विरोध में अपनी सदस्यता भी छोड़ दें। लेकिन जया बच्चन ने इसके लिए साफ मना कर दिया। अमर सिंह का जब बिपाशा बसु के साथ कॉल टेप लीक हुआ तब बच्चन परिवार ने पूरी तरह अमर सिंह से किनारा कर लिया। अमर सिंह ने दुख जताते हुए कहा था कि अमिताभ ने अपने 70वें जन्मदिन पर अपने स्पॉट बॉय तक को बुलाया लेकिन उन्हें नहीं बुलाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी अमर सिंह के बारे में कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि उनकी बीमारी के समय भी नहीं और न ही उनकी मौत के बाद। रिश्ते के भाई के साथ इस तरह का व्यवहार खराब था लेकिन अमिताभ बच्चन का अपने खुद के सगे भाई के साथ भी संबंध कुछ अच्छे नहीं रहे। अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन ने हमेशा उनके लिए पर्दे के पीछे रहकर काम किया। कहा जाता है कि अजिताभ अमिताभ बच्चन के फोटोग्राफ अलग अलग निर्माता निर्देशकों को भेजा करते थे ताकि उन्हें फिल्मों में काम मिल सके। जब अमिताभ बच्चन स्टार बन गए तो अजिताभ बच्चन ने उनके मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली और उनके पैसों का हिसाब रखा। अपने पूरे जीवन के कई सालों तक वो अमिताभ के छत्र छाया में रहे पर हमेशा मीडिया की नजर से दूर रहे। जब अमिताभ ने राजनीति में आने का फैसला किया तो अजिताभ लंदन चले गए जहां उन्होंने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। कहा जाता है कि इसमें काफी पैसा अमिताभ बच्चन का भी लगा हुआ था। लेकिन इनके रिश्ते में खटास तब आई जब अमिताभ बच्चन का नाम बफर्स स्कैंडल में आया। इस स्कैंडल की आंच अजिताभ के बिजनेस पर भी आई और ये पूछा जाने लगा कि आखिर अजिताभ के पास बिजनेस के लिए इतना पैसा कहां से आया। इन इल्जामों से दुखी होकर अजिताभ लंदन छोड़कर बेल्जियम चले गए। 1990 के दशक में अमिताभ की अमर सिंह से नजदीकियों के चलते अजिताभ और अमिताभ में दूरी बढ़ने लगी और अंत में अजिताभ ने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली। हालांकि हरिवंश राय बच्चन के होते हुए दोनों पूरी तरह से अलग नहीं हुए। दोनों के रिश्ते की आखिरी डोर तब टूट गई जब अमिताभ बच्चन की ABCL कंपनी डूब गई जिसके एक पार्टनर अजिताभ भी थे। तब अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने काबिल लोगों की जगह पर करीबी लोगों को अपने कंपनी में शामिल किया और उन्हीं के खराब प्रबंधन के चलते कंपनी की ये हालत हुई है। अजिताभ को ये बात चुभ गई। हरिवंश राय बच्चन के निधन के बाद दोनों परिवारों ने कई सालों तक एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखा। हालांकि साल 2007 के बाद इनके रिश्ते कुछ हद तक सुधरने लगे लेकिन कहा जाता है कि रमोला और जय बच्चन के बीच नहीं बनने के कारण ये परिवार कभी भी पूरी तरह से एक नहीं हो पाया। अमिताभ से जुड़े इस तरह के तमाम किस्से प्रचलित हैं जो ये बताते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सुपरस्टार का एक स्याह पक्ष भी होता है जो बस उसी को पता होता है जो उसका भुक्तभोगी होता है। तो ये थी अमिताभ बच्चन के स्वार्थी पने पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।